आवाज में भी चेंज नजर आ रहा होगा आप लोग, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। I'm done. Welcome and welcome back to my channel once again. आज के वीडियो में आई एम गोना ट्राई समथिंग जो कि आप लोगों को भी पता होगा। Do you guys know about ghost paper? अगर नहीं पता है तो मैं उसको बता दूँ, उसका जो लोकल नेम है उसे कहते हैं भूत जोलोकिया, जो कि असम में ज़्यादातर पाया जाता है। यहाँ का बहुत ही फेमस चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज ना मैं घर से लंच लेकर आई उसमें, एंड आई थॉट कि मैं भूत जोलोकिया का जो चटनी है विच इज़ घोस्ट पेपर उसके साथ खाएंगे। तो मैंने रेडीमेड भी यहाँ मिलती है पैकेट में, तो मैं लेकर आई एंड आई थॉट कि लेट्स हैव दैट आप लोग के सामने। और मैंने कभी ट्राई नहीं करा था उसको, ठीक है। कच्चा लाती थी मम्मी, बनाती थी लाइक सब्जी में मिक्स करके, तो बहुत तीखा होता है। आई फील दैट इतना छोटा सा टुकड़ा भी खाओ तो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। पूरी सब्जी को तीखा करने के लिए इनफ होता है एक छोटा सा टुकड़ा। बट आई गॉट अ चटनी सैशे, देख सकते हो, एंड आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज। यहाँ पे इतना महंगा तो मिलता नहीं है, बट यस धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना मेरे फेस पे, एंड गर्मी भी लग रही है। बट गाइज आई थॉट कि धूप में बनाए तो बेटर रहता है। एंड या ब्राउन स्किन्स आर ऑलवेज गोल्ड राइट, जब भी धूप में आप एक्सपोज करो तो पता नहीं होता या नहीं, बट मुझे लगता है और बहुतों को भी लगता है। आई सो मेनी ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम वीडियोज। ओके बात को चलो शुरू करते हैं पहले, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है यार। तो फोन नीचे गिर गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि मैं लेकर के आई हूँ। सो आई मेड अ लाइक मैंने नूडल बनाया था। आई ट्राइड कल, मैं ना नई नई रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज मम्मी तो है नहीं, मम्मी होती है तो रेसिपी ट्राई करने में थोड़ा लाइक हिचकिचाना पड़ता है, बिकॉज किचन गंदा करना और चीजें वेस्ट करना मम्मी के एब्सेंस में ही कर सकते हैं। तो मम्मी आने वाली है 2-3 दिनों में, तो ये मेरा रीसेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई मेड दिस, इट इज इट्स नूडल जो कि लाइक डीप फ्राई नहीं है, एंड काइंड ऑफ आई कैन से कि स्ट्यू नूडल है। बहुत सारे इसमें मैंने वेजीज डाल रखे हैं, एंड देन इसमें चिली ना, एक्चुअली मैंने थोड़ा कम चिली डाल रखा है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हम जो भूत जोलोकिया है। सो यस लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट गाइस, दिस इज द चटनी वी आर गोना ट्राई। मैं एक्साइटेड भी हूँ, डर भी लग रहा है कि अगर ज्यादा तीखा हुआ तो मेरी एसी बंद कर देते हैं ना, आवाज आ रही है इजंट इट। चलो कम कर दिया मैंने, तो डर भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा तीखा ना हो वरना मेरी हालत होने वाली है कसम से। ओके तो यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन कि मैं क्या बना के लाई हूँ, ठीक है फिर से दिखा देती हूँ। इट्स काइंड ऑफ स्पैगेटी बोल सकते हैं हम इसको, बट या हक्का नूडल टाइप भी कह सकते हो, बट इसमें स्ट्यू भी है लाइक थोड़ा सा ग्रेवी टाइप है ये। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके मैं पैकेट ऐसे ही फाड़ सकती हूँ, आई हैव दैट टैलेंट। ओके तो आपके सामने इसको मैं मिक्स करती हूँ ना, तो व्हाट शुड आई डू, पूरे में मिक्स कर दे साइड में ट्राई करें। चलो साइड में एक बार हल्का सा ना डाल के इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। द फ्रेग्रेंस इज लाइक बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, मिर्ची का फ्रेग्रेंस जब आता है लाइक तीखी चीजों का फ्रेग्रेंस ऑलरेडी आ जाता है, मिर्ची जब तीखी हो तो उसकी फ्रेग्रेंस तीखी टाइप फील करती है ना, तो इसका भी फ्रेग्रेंस जो है वो वैसा ही फील हो रहा है मुझे। सो मैंने ना सोचा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, ओके हियर इसको पहले मिक्स करते हैं एंड लेट्स ट्राई। ओके लेट्स ट्राई नाउ, खाने से पहले इतने पसीने छूट रहे हैं यार, खाने के बाद कितने छूटेंगे आई डोंट नो। ओके ऊपर वाले बचा लेना, पहले नहीं बताया बट आप लोग के सामने मैं इस पैकेट को खत्म करने वाली हूँ। अभी जो तीखा लग रहा है ना गाइस,
फर्स्ट बाइट में मुझे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट हम खाएंगे ठीक है, विल हैव दिस। ओके, जोलो चिप्स के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने भी। तो जोलो चिप कुछ ऐसा ही था, बहुत ज्यादा तीखा, एंड उसको खाने के लिए भी बहुत सारे मैंने देखे हैं चैलेंजेस। सो हम जोलो चिप क्यों ट्राई करें यार, वी आर ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, है कि नहीं? बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा। जोलो चिप वालों, जोलो चिप जिन्होंने खाया है ना गाइस, एक चैलेंज इस पे भी बनाना। दूसरी बाइट, मैं चबा भी नहीं रही हूं, बस निगलती जा रही हूं। ओके, ये ओके, ये जो चिली है विच इज घोस्ट पेपर, ये आपको बाहर मिल सकती है, आई थिंक आउट ऑफ असम में इसकी जो पैकेजिंग, ऐसे पैकेट जो मैंने आपको दिखाया ऐसा मिल सकता है, बट यहाँ पे रॉ भी बिक्री होता है, बाहर भी जाता है। आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज देखा था कि यूएसए में भी जो फर्स्ट बैच था हमारा घोस्ट पेपर का, वो गया था बिकने के लिए फ्रॉम असम। सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू नो अबाउट दिस, की हमारी चीजें और लाइक वर्ल्ड वाइड में हमारे इंडियन चीजें एक्सपैंड हो रही है, लोगों को पता चल रहा है, विच इज रियली ग्रेट। ओके, पसीने। थर्ड बाइट, गाइस इट इज टेस्टी। अगर आप लोगों में से कोई स्पाइस लवर है ना, जिसको पानी है, बट नहीं, हम खत्म करेंगे पहले, देन वी हैव द वाटर। फोर्थ बाइट, लेट्स ऐड मोर एंड थोड़ा और ऐड करते हैं एंड इसका एक्सट्रीम लेवल देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट्स हैव द फिफ्थ बाइट। आवाज में भी चेंज नजर आ रहा होगा आप लोगों को, आवाज बहुत हद तक मेरी चेंज हो चुकी है टू द एक्सट्रीम 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 लेवल, बट लेट्स हैव द फिफ्थ बाइट। बस निकले जा रही हूँ, A few moments later. I don't feel like I can bear this spiciness at all. I'm done. Guys, I'm I'm so sorry, but I had to. Otherwise, I'm gonna die in this video. I'm gonna use this kapda. No. Let's wait for a minute, then I'll come back, okay? Okay guys, thank you so much for watching the crazy challenge with me, okay? Alright, so let me know in the comment section आपको कैसा लगा, and ऐसे भी कुछ craziness या crazy चीजें आप चाहते हो कि मैं try करूँ तो मुझे बताओ। मेरे पास आजकल content की बहुत ज्यादा कमी है, content नहीं है तो मैं videos नहीं डाल पाती हूँ, but yes, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा different videos डाले। तो इससे पहले बता दूँ, if you love this video, do like, comment, share and subscribe the channel. Don't forget to do that, okay? So guys, I love you all. See you in my next video. Till then, bye-bye.